लिए खुद महाफिज हमारी ये बच्ची खड़ी होकर ना किसी के बड़े धंधे को बढ़ावा देंगे। दरअसल टेक्निक्स आइए तो हम ये समझते हैं कि हमारी हर माँ बहन बेटी और हमारे बच्चों को लाइफ स्किल्स में क्या क्या शामिल है। अपनी फूड खुद उगाना, अपनी फूड खुद उगाना। हर एक इस वक्त हमारे पास हराम फूड तो है, सही फूड नहीं है। हमारे अमेरिकन जिसका नाम है मिस्टर पीटर, वो कराची आए अमेरिकन बोले और उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा अमरीकी देखा, अगर पाकिस्तान में ऐलान हो कि यूएस नेशनलिटी मिल रही है और जो पहले आए पहले पाए तो क्या होगा डॉक्टर साहब, मेरी दिल्ली को भी पता चल जाए ना, मैंने दिल्ली पे लड़ता हूँ। हाँ जी, वो भी भागे में वहाँ पहुँचे क्योंकि जर्मनी में अमेरिका में जो इज्जत जानवरों की है उन जानवरों की शादी है तो वो भी भागे में रहे। पीटर साहब एक ऐसे आदमी हैं जो पाकिस्तान की नेशनलिटी ले ली, पासपोर्ट अप्लाई कर, तो मैंने कहा पीटर साहब मुसलमान हो, मैंने कहा पीटर साहब, हाँ जी पीटर साहब जो हैं वो कहते हैं वो ऑर्गेनिक लाइफ खुदा, वो उन्होंने एक अकेडमी खोली हुई जिसको कहते हैं UBDM अबूदिया बेस्ड बिजनेस मॉडल। तो मार्केटिंग फाइनेंस HR का वो बिजनेस का मॉडल सिखाते हैं कि आपकी बिजनेस इबादत कैसे बन जाए। तो पीटर साहब ये कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, तुम जो खाते हो तुम वो होते हो। हलाल तो खा रहे हो लेकिन जो आप मुर्गी खा रहे हो ना तो वो ब्रॉयलर नशे में है, ब्रॉयलर मुर्गी गिरती फिरती आप खाते हो तो जो हरकतें बराबर होगी करेगी ना वही आप करोगे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कहना शुरू कर दी, यू आर व्हाट यू ईट, तुम वो हो जो बराबर मुर्गी ने गंद पला खाया था ना वो हो तुम। तो पीटर साहब ने अपना जो घर है उसमें से सोफे नहीं रखे थे, जमीन पर रखे थे। यहाँ जो पाकिस्तानी भाई बहन अमेरिकन वो इस वक्त दादा जो हैं वो 70 साल के हैं, स्विमिंग करते हैं, डीप डाइविंग करते हैं, वो सर्फिंग के माहिर हैं। वो उनको जब आईटी कराची बुलाते हैं ना वो अमेरिकन बोला शराब पीने से था, वो मुसलमान हो गए ना तो वो कहते मैं यहूदी था तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानी डंडे पे जा रही है स्टिक पकड़ते हैं मूसा फारू असाया, वो स्टिक का साथ देते अमामा भी बांध दिया, वो आलम कर चुकी है शेख अलहदीस की भी है, उनकी वालदा वालद होती है वालदा हिसाब है और वो कहते हैं मेरे 5 जोड़े हैं। सस्टेनेबिलिटी का जो ऐसी चीज का मकसद ये है, पाकराची में एक औरत एक मर्द की अलमारी खोलने कितने जोड़े निकलेंगे, सो किसी खातून की अलमारी खोलने कितने जोड़े निकलेंगे, 200-500 बाबू को भी मिलेगी। आगे तो वो पीटर साहब कहते हैं मेरा जोड़ा 5 साल पीटर साहब कमी ना थी। पीटर साहब के घर में जो बर्तन हैं वो लोहे के हैं, प्लास्टिक उनके घर में नहीं जा सकता, न चॉपर न प्लास्टिक के बर्तन। पीटर साहब जो है वो जैतून खाते हैं, देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उन देसी मुर्गियों की फीड भी खुद लेकर आए और उनका बिजनेस है अल खैर प्रोडक्ट्स, वो ऑर्गेनिक फूड कराची में सप्लाई करते हैं वो, और वो मशरूम का बिजनेस $500 की मशरूम की पूरी दुनिया में उनके नाम से पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पीटर साहब ने वो 2 घंटे 2 दानों बैठ सकते हैं, हमारा 25 साल का नौजवान आधा घंटा आता ही आता बैठ करके था। यानी पीटर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों और मर्दों और औरतों यू कॉन्ट एंजॉय योर लाइफ बिकॉज आपकी दुकानें ठीक है। पीटर साहब जो है वो बहुत सारी बात है क्योंकि अक्सर हमारे मैन पावर नहीं है और वो अपने घर में 2 दिन की वर्कशॉप कराए तो उनसे दुआ करते हैं जब उनको यहाँ बुलाएं 2 दिन उनको रखें तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमें अपनी मुर्गियाँ उगाना, अपना फूड उगाना, अपने लाइफस्टाइल को, अपने कपड़ों को। मैं जर्मनी हैमबर्ग से दुबई आ रहा था, जर्मन बोल रहा था, मैंने कहा हाउ मेनी क्लॉथ्स टू यू हैव, 4-4 जोड़ों के साथ जिंदगी गुजार रहा है जर्मन। हमारे थोड़ा सा मसला गर्मी की वजह से लेकिन चलिए 10 हो गए 15 हो गए क्योंकि जे डॉट का इस्लामी कपड़े तो हैं लेकिन उसको जो रंग लगा हुआ है वो केमिकल तो है, उस केमिकल से पौधे तो मरेंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर एनवायरमेंटली एंड सोशली एंड एथिकली सस्टेनेबल। और हर घर के अंदर अपना फूड भी उगा लें, अपना काम खुद कर लें और उसी के अंदर से गाना तलाश कर लें। अल्लाह सुब्हान व तआला
ये इसलिए अलामा इकबाल कहते थे, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, अगर तू जिंदा है ना तो ब्लॉगिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड चिकन रेजिंग, जितने बंदे हैं ना इसको कहते हैं गिग्स, गिग। मेरा भाई अमेरिका में होता है, वाज बोर्न इन द यूएस, उसको 10 बार का कपड़े धोने आते हैं, उसको गाड़ी में टैक्सी चलानी आती है, उसको गाड़ी का इंजन ऑयल का संदर्भ आता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड इंजीनियर है, एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को डील करना आता है। जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो शिकागो पब्लिक स्कूल कहता है कि गर्मियों में तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो अपने गिग्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, गिग कहते हैं छोटे छोटे काम। तो इस जमाने की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं इनको बिजनेस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट वालों को 4 सालों में 50 लाख गिग्स देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।